लेटर राइटिंग तुम्हारा सबसे इजी पोर्शन है तुम्हारे पूरे पेपर का। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम्हें किसी भी टाइप का लेटर दे दिया जाएगा तो तुम उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लेटर के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा किसी भी टाइप का लेटर आता है, अगर तुम इस तरह से लिखते हो जिस तरह से मैं बताऊंगा तो तुम्हें पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में लेटर को किस तरह से लिखना चाहिए कि हमें पूरे नंबर मिले। तो यार सबसे ज्यादा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो पूछा जाता है फॉर्मल लेटर। तो दो तरह के तुम्हारे लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो फॉर्मल लेटर यार तुम्हारे वो होते हैं जो तुम थोड़े प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर तुम्हारे वो होते हैं जो तुम अपने रिलेटिव्स को लिखते हो या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उसको। तो चलो बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर यार तुम्हें लिखना कैसे है, तो किसी भी टाइप का तुम्हारा फॉर्मल लेटर होता है। अब तुम बोलोगे किसी भी टाइप का कैसे भैया, तो देखो यार बोर्ड एग्जाम में तुमसे चार तरह के लेटर पूछे जा सकते हैं, इन चारों में से कोई भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। तो पहला लेटर होने वाला है तुम्हारा कंप्लेंट से रिलेटेड, दूसरा होगा तुम्हारा इंक्वायरी से रिलेटेड, तीसरा होने वाला है तुम्हारा ऑर्डर से रिलेटेड, और फोर्थ लेटर तुम्हारा होगा एडिटर से रिलेटेड। तो इन्हें डिटेल में आगे बताऊंगा वीडियो में, पहले तुम्हें इन सबका जो कॉमन पैटर्न है ना वो बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इनके अंदर तुम्हें किस तरह से कंटेंट लिखना है। तो फॉर्मल लेटर के पैटर्न में सबसे पहले तुम्हारा आएगा सेंडर का एड्रेस। अब उस एड्रेस को लिखने के लिए कम से कम तुम्हें 2 से 3 लाइन लिखनी है जिसमें तुम सेंडर का कंप्लीट एड्रेस डालोगे, जैसे कि तुम्हारा एरिया या फिर स्ट्रीट, और सेकेंड में तुम डाल सकते हो अपना सिटी का नाम और साथ ही में उसके पिन कोड, जो भी तुम्हारे एरिया का हो, और नहीं तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी डाल देना। इसके बाद तुम्हारा दूसरा स्टेप आता है, तुम लिखोगे उसमें डेट। फर्स्ट में तुमने सेंडर का एड्रेस लिखा और सेकंड स्टेप में तुम लिखोगे डेट। तो डेट तुम्हारी जो भी है तुम्हें यहाँ पर फिल कर देनी है। और हाँ, डेट तुम्हें इस तरह से नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। तुम्हें डेट किस तरह से लिखनी है, जो तुम्हारा डेट है जैसे 15 है तो 15 लिख दोगे तुम, और मंथ है फिर उस मंथ का नेम लिखना है, ना कि तुम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू डालो। कुछ इस टाइप में लिख सकते हो जैसा मैंने तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाया। उसके बाद तुम ईयर डाल देना, ठीक है, समझ गए ना किस तरह से डेट लिखनी है। इसके बाद थर्ड स्टेप तुम्हारा होता है रिसीवर का एड्रेस। तो यार जिसको तुम अपना लेटर भेज रहे हो ना उसका एड्रेस डालना है तुम्हें यहाँ पर। अब उसको डालने के लिए तुम्हें कम से कम 2 से 3 लाइन यूज करनी है, सेम वही एड्रेस डालने के लिए अच्छे से, जो मैंने तुम्हें सेंडर्स का एड्रेस में बताया था ना, इसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हें वही यूज करना है। ऐसा मत कर देना कि अपना ये एड्रेस डाल दो, वो नहीं, जिसको तुम भेज रहे हो ना उसका डालना है। बाकी अभी एग्जांपल से तुम्हें पता चल जाएगा जब आगे मैं बताऊंगा। अब फोर्थ स्टेप में आ जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट, जिस बारे में लेटर है ना उसकी मेन 5 से 6 वर्ड लिख दो बस, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है तुम्हें। इसके बाद तुम्हारा सैल्यूटेशन आता है जिसमें तुम लिखोगे डियर सर मैम, जो भी तुम्हारा सामने वाला पर्सन है उससे रिलेटेड डियर सर या मैम लिख सकते हो, ठीक है। अब आती है तुम्हारी बॉडी। तो बॉडी के अंदर तुम्हें इन 3 स्टेप्स में अपना कंटेंट लिखना है, जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग अपने कंटेंट की इस तरह से करनी है कि तुम्हें बताना है कि किस लिए तुमने ये लेटर लिखा है, उसका पर्पस बताना है। इतना लिख देते हो तो उसके बाद सेकंड स्टेप तुम्हारा होने वाला है इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ से रिलेटेड। तो पहले पैराग्राफ में तुम क्या लिखोगे, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किस लिए तुमने लेटर को लिखा था, और दूसरे में तुम लिखोगे उसकी डिटेल, क्या प्रॉब्लम थी, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है तुम्हारे एरिया में या कहीं भी, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन। इस तरह का कंटेंट तुम्हें उसमें लिखना है जिससे भी रिलेटेड तुम्हारा लेटर है ना वही सेम। ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल में बता दिया कि ये चीज़ें तुम डिटेल में लिख सकते हो। अब लास्ट पैराग्राफ या सेंटेंस को तुम किस तरह से ख़त्म करोगे, उसके लिए तुम्हें कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ या सेंटेंस लिखना है जिसमें तुम सामने वाले बंदे से रिक्वेस्ट करोगे या फिर तुम उसे सजेशन दे सकते हो या होप कर रहे होगे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दे या फिर इस सामान को यहाँ भिजवा दे। इस तरह से तुम लास्ट लाइन को ख़त्म कर सकते हो। तो इन 3 स्टेप्स में तुम अपने बॉडी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लोगे आराम से, देख रहे हो ना कितना इजी है। इसके बाद आता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें तुम इन 3 वर्ड्स को यूज कर सकते हो, या तो तुम लिख सकते हो योर सिंसियरली, या फिर लिख सकते हो तुम योर फेथफुली, या फिर तुम लिख सकते हो योर ट्रूली। अब इन वर्ड को यूज कैसे करना है, तो अगर तुम किसी एडिटर को भेज रहे हो ना तो वहां आंख मीच के योर ट्रूली लिख देना बस, और या फिर तुम किसी बिजनेस के लिए लिख रहे हो ना तो तुम वहां पर योर सिंसियरली लिखोगे। अब लास्ट आता है तुम्हारे लेटर की क्लोजिंग। तो क्लोजिंग तुम्हारी किस तरह से होगी, वो होगी तुम्हारे नेम से, सिग्नेचर से और डिजाइनेशन से, अगर दी हो तो। तो यार ये था तुम्हारा फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट। इस तरह से लिखोगे तो पूरे 5 नंबर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, और
सबसे इजी वे है ये लेटर को लिखने का। तो चलो अब आगे थोड़ी और हिंट दे देता हूँ तुम्हें कि किस तरह से तुम्हारा अगर इस टाइप का लेटर आता है तो इस टाइप की तुम स्टार्टिंग कर सकते हो अपने बॉडी में। बिकॉज यार टीचर तुम्हारी स्टार्टिंग ही देखता है, स्टार्टिंग देखता है और एंडिंग देखता है ज्यादातर। बीच में तो तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और जिस तरह से मैंने बताया है इन तीन स्टेप्स में अपने कंटेंट को लिखने के लिए, तो उस हिसाब से तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले यार अगर तुम्हारे कंप्लेंट से रिलेटेड कोई लेटर आ जाता है जिसमें तुम्हें कंप्लेंट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला लेटर देख सकते हैं जो कि तुम्हारा है कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो तुम देख ही सकते हो इस लेटर में स्टार्टिंग कैसे हो रही है, दिस इज विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर। तो इसमें दिस इज विद रेफरेंस टू ये वाली लाइन याद रख लेना। अब यही लाइन तुम्हें जो है ना आगे के दो लेटर्स में और यूज करनी है अगर इस टाइप के लेटर आ जाते हैं। जैसे तुम्हारा लेटर आ जाता है इंक्वायरी से रिलेटेड तो उसमें भी तुम यही लाइन यूज करोगे स्टार्टिंग करते टाइम। और इसके अलावा तुम्हारा ऑर्डर से रिलेटेड कोई लेटर आ जाता है तो उसमें भी तुम यही लाइन यूज करोगे। और इस लाइन को लिखने के बाद फिर तुम्हें अपने वो सेम थ्री स्टेप्स लगा देने हैं। पहले में तुम क्या लिखोगे, पर्पस, कि किस लिए तुमने ये लेटर लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में तुम्हें अपने प्रॉब्लम लिख देनी है, या तुमने एडिटर को भेजी है तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन लिख देना है। पर एडिटर के लिए तुम्हें ये स्टार्टिंग वाली लाइन नहीं लिखनी है, उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे। और थर्ड पैराग्राफ में तुम रिक्वेस्ट करोगे। अब तुम अपनी स्क्रीन पर ये एग्जांपल देख ही रहे हो, तो इसी तरह से तुम्हें अपना कंप्लीट लेटर लिखना है। अगर इन तीन टाइप का तुम्हारा लेटर आता है तो इसी तरह से लिखोगे। और अगर तुम्हारा एडिटर वाला लेटर आ जाता है तो उसके लिए तुम्हें जो स्टार्टिंग की लाइन स्टार्ट करनी है ना, तो वो होने वाली है तुम्हारी थ्रू द कॉलम ऑफ योर। उसके लिए तुम्हें ये एग्जांपल अपने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें तुम देख सकते हो हमने ये लेटर है तुम्हारा रिकॉग्नाइजेशन द गुड वर्क डन बाय द यूथ इन अवर सोसाइटी। तो इसका पैटर्न भी तुम सेम देख सकते हो कि किस तरह से लिखना है जो मैंने तुम्हें पहले बताया। पहले ग्राफ में देखो तुम्हें वही बता रखा है लेटर लिखने का पर्पस, और सेकंड पैराग्राफ में तुम्हारा उसके पॉसिबल सॉल्यूशन और प्रॉब्लम बता रखी है, और थर्ड पैराग्राफ तुम्हारा वही है उसमें होप कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट की एंडिंग तो है इजी, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, वो तो सभी में यही होने वाली है सेम। और हाँ एक मेन बात और, अपने लेटर में तुम अपना नाम कभी भी नहीं लिख कर आओगे, तुम्हें उसकी जगह पर लिखना है XYZ, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। तो अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें लेटर को लिखना कैसे है। अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका है तो कमेंट करके अभी बता दो। और हाँ इसी तरह से अगर तुम्हें ग्रामर के लिए वीडियो चाहिए, प्रोज पोइट्री और तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, इनके लिए वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। बाकी तुम्हारा हिंदी का एग्जाम कैसा गया वो भी बता देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी तो इन वीडियोस को भी जाके देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग।